नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की डीपीआर तैयार करने के लिए लीडार सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा एयरक्राफ्ट तैयार किया गया और जिसमें अलग तरीके के यंत्र लगाए गए, और इसमें यंत्र जो लगाए गए अगर हम उनकी बात करते हैं तो अत्याधुनिक एरियल लीडार और इमेजरी सेंसर से लैस ये एयरक्राफ्ट पहली बार जमीनी सर्वे करने के लिए उड़ान भर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसमें लीडार टेक्निक के लिए उपकरण लगाए गए हैं। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे तकनीक को अपना रहा है इस मामले में, और 3 से 4 महीने में सभी जमीनी विवरण और डेटा मुहैया करा लिया जाएगा, जबकि सामान्य रूप से इस काम को करने में 10 से 12 महीने का वक्त लगता है। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, या जिसको आप बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कह सकते हैं, वो मुंबई नागपुर के बीच में 736 किलोमीटर लंबा होगा। अब आप सोच रहे होंगे, जब छोटे से छोटे इलाके का सैटेलाइट छवि मौजूद है तो लीडार सर्वे की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन लीडार सर्वे की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया पर यह सर्वे किया जाता है। जैसे इसका जो अलाइनमेंट जो तय किया गया, उसके 150 मीटर के इलाके को इसमें सर्वे किया जाता है, और इसमें तमाम चीजें देखी जाती हैं कि कहाँ पर नदी है, कहाँ पर नाले हैं, कहाँ पर अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शंस हैं, और ऊंचाई कितनी है, निचाई कितनी है, और जो पूरा का पूरा इलाका है वो किस तरीके से मौजूद है, और वहाँ पर कितने पेड़ हैं, इसका भी अंदाजा लगाया जाता है। इसका भी एक सही सही आंकड़ा दिया जाता है कि कितने पेड़ हटाने पड़ेंगे, कितने स्ट्रक्चर हैं जो उस रास्ते में आ रहे हैं, तो जो भूखंड हैं उनका एक सही सही हम कह सकते हैं सर्वे किया जाता है। अब इसमें 100 मेगापिक्सल कैमरों का उपयोग किया जा रहा है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि 100 मेगापिक्सल कैमरे से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में एक एक हम कह सकते हैं चीज़ों को उसमें दाखिल किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम पूरे इस समय जो काम चल रहा है उसकी हम बात करें, तो हम कह सकते हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की डीपीआर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है, और इन सभी कॉरिडोर के जमीनी सर्वेक्षण हेतु लीडार सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 736 किलोमीटर लंबा होगा, इस प्रस्तावित योजना में मुंबई शहर को नागपुर, खापरी, वर्धा, पुलगांव, करंजाड़ाट, मालेगांव, जहांगीर, मेहकर, जालना, औरंगाबाद, शिरडी, नासिक, इगतपुरी, शाहपुर जैसे शहरों को जोड़ने का जिम्मा दिया गया है।